हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। उस आदमी का एक ही मकसद था, नैना को हासिल करना। रात गहरा जाती है और वो नकाब पोश फिर से निकल पड़ता है नैना के घर की तरफ। सीटी बजाता हुआ वो अपनी ही धुन में चला आ रहा था और आने वाले खतरे से अनजान नैना वंश के साथ बेफिक्र होकर सो रही थी। रेड कलर की नाइटी में उसका गोरा बदन और भी आकर्षक लग रहा था। कमरे में धीमी धीमी रोशनी थी। नैना सोती हुई बेहद हसीन लग रही थी और वह नकाब पोश नैना के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर उसे महसूस करा रहा था। उसके हाथ नैना के बदन को छूने के लिए उतावले हो रहे थे। जैसे वो अपना हाथ नैना की तरफ बढ़ाता है, तभी उस नकाब पोश की नज़र नैना के पास सो रहे वंश पर पड़ती है, जो कि नैना से लिपटा हुआ था। वंश को देखकर उस नकाब पोश की आंखों में खून उतर आता है। आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं। उसका बस चलता अपनी आंखों से ही वंश को भस्म कर देता, पर जल्दी उसने खुद पर काबू पाया और वापस नजरें नैना के बदन पर जमा ली। जी भरकर उसे देखने के बाद उसने चेहरे पर अपना मास्क पहना, सर पर हुडी की कैप ली और बालकनी से कूद गया और सीटी बजाता वो अंधेरे में कहीं गुम हो गया। अगली सुबह शुरू हो जाती है एक बार फिर से सबकी भाग दौड़ वाली जिंदगी। नैना उठ गई थी और नहाकर रेडी भी हो गई थी। ब्लैक कलर का टॉप और ब्लू कलर का जीन्स, बालों की हाई पोनी बनाई हुई, आंखों में काजल और पतला सा लाइनर, होठों पर रेड लिपस्टिक, पैरों पर ब्लैक कलर की हील्स, कुल मिलाकर वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। वंश भी स्कूल के लिए रेडी था। दोनों ही अपनी बातें करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इधर आरव अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। परी पलक की माँ के पास थी और पलक की माँ उसे ब्रेकफास्ट करा रही थी। विवान भी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। वो अपनी शर्ट पहन रहा था, तभी पलक अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आती है। अनारकली सूट जो कि पलक पर बहुत ही जच रहा था, गीले उलझे बाल जिसमें विवान की नजरें उलझ गई थी, इस बात से बेखबर पलक अपने बालों को सुलझाने में लगी रहती है। पलक अपने बालों को पीछे झटकती है जिससे पानी की छींटे विवान के चेहरे पर जाती है और वो होश में आता है। विवान तुरंत अपनी नजरें फेर लेता है। पलक का ध्यान विवान पर जाता है जो कि अलमारी में से अपनी दूसरी शर्ट निकाल रहा था। पलक कहती है, दूसरी शर्ट क्यों निकाल रहे हो? विवान उसे अपनी शर्ट का टूटा बटन दिखाते हुए कहता है, ये टूट गया है तो? पलक अलमारी में से सुई धागा निकालते हुए कहती है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं लगा देती हूँ। वो सुई में धागा डालते हुए कहती है। फिर विवान के करीब जाकर उसकी शर्ट पर बटन लगाने लगती है। उसकी नजरें झुकी हुई थी और विवान की नजरें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके बालों में से अब भी हल्का हल्का पानी टपक रहा था जो कि उसके चेहरे पर गिर रहा था और उसके मोतियों की तरह चमक रहा था। इन सब से बेखबर बस बटन लगाती रहती है। दोनों बेहद करीब थे। पलक बटन लगाकर जैसे पीछे होने लगती है, तभी विवान अपनी दोनों बाहें उसकी कमर के आसपास कस देता है जिससे पलक सिहर उठती है। वो नजरें उठाकर विवान की तरफ देखती है जिससे उसे अपने लिए प्यार ही प्यार नजर आ रहा था, बेपनाह प्यार। विवान बस कुछ देर उसे महसूस करना चाहता था और शायद पलक भी। विवान ने अब भी अपनी बाहों में उसे कैद कर रखा था और पलक भी इस कैद से आज़ाद होना नहीं चाहती थी। वो आहिस्ता से विवान के सीने पर अपना सर रखकर अपनी बाहें उसकी पीठ पर कसते हुए कहती है, सब ठीक होगा ना विवान? मैं, तुम, दीदी, जीजू, हम सब साथ होंगे ना? विवान उसकी आवाज़ में तड़प, बेचैनी, दर्द साफ महसूस कर पा रहा था। वो एक ठंडी आहें भरते हुए कहता है, आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर आज जो वक्त हमारे पास है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। मैं आरव और नैना को एक करने की पूरी कोशिश करूँगा। पलक कहती है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। विवान कहता है, अब चले, अगर देर हो गई तो तुम्हारी दीदी कच्चा चबा जाएंगी मुझे। विवान की बात पर पलक खिलखिलाकर हंसने लगती है। आज कितने दिनों बाद विवान ने उसे इस तरीके से हंसते हुए देखा था। उसे हंसते हुए देखकर विवान की आंखों में नमी तैर जाती है जिसे पलक देख लेती है। विवान के आंसू देखकर वो बेचैन हो जाती है और कहती है, क्या हुआ तुम्हें?
विवान अपनी आंखें साफ करता है और हल्का सा हंसते हुए कहता है, आज तुम्हें इतने दिनों बाद हंसता हुआ देखा तो सच में इस घर में कोई खुशियां ला सकता है तो वो है नैना, जिसके सिर्फ नाम लेने से हम दोनों का ये हाल है। पलक भी मुस्कुरा देती है। विवान बाहर जाते वक्त कहता है, अब तुम जल्दी करो वरना वो हिटलर छोड़ेगी नहीं हमें। पलक कहती है, कौन हिटलर? विवान कमरे से बाहर जाते हुए कहता है, तुम्हारी दीदी। ये सुनते ही पलक एक कुशन उठाकर विवान पर मारते हुए कहती है, विवान के बच्चे। लेकिन तब तक विवान बाहर जा चुका था। दोनों के ही होठों पर मुस्कान थी, पर अगले ही पल दोनों की ही आंखों में आंसू थे। उन्हें तो याद भी नहीं था कि लास्ट टाइम कब दोनों ने इस तरीके से बात की थी। खैर, परी भी स्कूल जाने के लिए रेडी थी। आरफ सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आता है। परी उसे देखकर भागकर उसकी गोद में चढ़ते हुए कहती है, बड़े पापा। विवान भी आ जाता है, जिसे देखकर आरफ कहता है, तू पलक के साथ आ जाइयो, मैं चलता हूँ, आज पहले ही देर हो गई है। इतने में परी कहती है, बड़े पापा मैं आपके साथ ही स्कूल जाऊंगी। आरफ कहता है, ओके फिर जल्दी से बड़े पापा को किसी दो। परी कहती है, नहीं बड़े पापा अभी मेरा मूड नहीं है। आरफ उसे गोद में लेकर ही बाहर जाते हुए कहता है, ओहो मैडम का मूड। कुछ ही देर में दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। उधर नैना भी वंश को स्कूल छोड़ने जा रही थी। वंश की जुबान पर एक ही नाम था, परी, और परी की जुबान पर वंश। आरव और नैना दोनों मुस्कुराते हुए बस बच्चों की बातें सुन रहे थे। नैना वंश के साथ पीछे बैठी थी और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उधर आरव खुद गाड़ी चला रहा था और परी पीछे वाली सीट पर आराम से बैठी थी। कुछ ही देर में दोनों की गाड़ियां स्कूल के सामने आकर रुकती है। आरव परी को बाहर निकालता है। नैना गाड़ी से उतरने लगती है, पर तभी उसका फोन आ जाता है और वो वहीं पर बैठकर बातें करने लगती है। वंश की नज़र परी पर जाती है। वो लगभग चिल्लाते हुए कहता है, मम्मी वो रही परी। ये कहकर वो गाड़ी से उतरकर उस तरफ जाता है। ड्राइवर जल्दी से उसके पीछे जाता है। नैना बात करते करते गाड़ी से बाहर आती है। परी जो अभी भी आरफ की गोद में थी, उसकी नज़र भी वंश पर पड़ती है। वो भी चिल्लाते हुए कहती है, वंश बड़े पापा वो देखो वंश। इतने में वंश खुद ही दोनों के पास पहुंच जाता है। हेलो परी। आरफ की नज़र वंश पर पड़ती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सामने छोटा आरफ खड़ा हो। ड्राइवर कहता है, वंश बाबा संभल कर। परी कहती है, मुझे नीचे उतारो ना बड़े पापा। नैना बात बेशक फ़ोन पर कर रही थी, पर उसकी नज़र बराबर वंश पर बनी हुई थी। आरव का चेहरा दूसरी तरफ था, जिससे दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा था। आरव एकटक वंश को देखते हुए परी को नीचे उतारता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज़ी से शोर कर रही थी। परी कहती है, बड़े पापा ये है वंश। वंश कहता है, हेलो अंकल। उसकी बात पूरी नहीं हो पाती, उससे पहले ही नैना की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, वंश बेटा। नैना की आवाज़ सुन आरव की धड़कनें और भी रफ्तार पकड़ लेती है। वो तुरंत चेहरा घुमाकर पीछे देखता है। आरव को देखते ही नैना की जो स्माइल थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। आरव कभी वंश को देख रहा था तो कभी नैना को, जैसे आंखों से पूछ रहा हो कि वंश। वंश उसकी चिंता पल में ही ख़त्म कर देता है, जब वो ज़ोर से मम्मा कहता हुआ नैना से जाकर लिपट जाता है। आरव के चेहरे पर खुशी, दुख, हैरानी, दर्द, ये चारों भाव एक साथ उमड़ पड़ते हैं। खुशी इस बात की थी कि वंश उसका बेटा है, दुख इस बात का है कि उसे अपने बेटे के बारे में कुछ पता ही नहीं था, हैरानी इस बात का है वंश का चेहरा ज़्यादातर आरव के चेहरे से मिलता था, और दर्द इस बात का है कि सब कुछ होते हुए भी वो अकेला है, कुछ नहीं है उसके पास। उसकी आंखें बहने को तैयार थी, जिन्हें बड़ी मुश्किल से वो रोक रहा था। वो नैना को गले लगाना चाहता था, ये खुशी उसके साथ बांटना चाहता था, एक बार वंश को छूकर देखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था, देखना चाहता था कि ये सब सच है ना, पर वैसा कर नहीं सकता था। आरव और नैना अभी भी एक टक एक दूसरे को देख रहे थे। कितनी शिकायतें थी नैना की नज़रों में, जो आरव साफ साफ देख पा रहा था। कितनी दर्द और तड़प थी आरव की आंखों में, जो नैना साफ साफ देख पा रही थी। वो दोनों होश में तब आते हैं जब वंश की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, मम्मा ये है परी। दोनों तुरंत अपना अपना चेहरा घुमा लेते हैं, ना चाहते हुए भी दोनों के ही दो दो आंसू बह ही जाते हैं, जिन्हें बड़ी सफाई से दोनों ही साफ कर लेते हैं। वंश नैना का हाथ पकड़कर परी के पास ले जाते हुए कहता है, मम्मा ये है परी मेरी फ्रेंड,
परी कहती है, हेलो आंटी। नैना की आवाज़ साथ नहीं दे रही थी, वो बस परी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर देती है। आरव की निगाहें अब भी वंश पर टिकी थी, जो नैना भी देख पा रही थी। परी वंश से कहती है, तूने मेरे बड़े पापा को हेलो नहीं बोला। वंश कहता है, बड़े पापा, ये बड़े पापा क्या होता है। परी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहती है, तुझे बड़े पापा का मतलब नहीं पता। अरे बुद्धू, जो पापा से बड़े होते हैं वो बड़े पापा होते हैं, वो बहुत ही मासूमियत से कहती है। वंश भी उतनी मासूमियत से कहती है, तेरे दो दो पापा हैं पर मेरे तो एक भी पापा नहीं है। ये सुनते ही आरव का दिल भर आता है और नैना का भी, पर नैना खुद पर काबू पाना सीख गई थी, लेकिन आरव कमज़ोर पड़ गया था। दिल के साथ साथ उसकी आंखें भी भर आई थी, जो कि नैना ने देख ली थी। आरव घुटनों के बल बैठकर वंश को छूने लगता है, पर नैना बीच में ही आरव को पीछे खींच लेती है। आरव आंसू भरी नज़रों से उसकी तरफ देखता है। आंसू तो नैना की नज़रों में भी थे और आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी था। नैना वंश का हाथ पकड़कर कहती है, चलो वंश, देर हो रही है। ये कहकर वो वंश को लेकर आगे बढ़ जाती है। आरव के हाथ हवा में ही रह जाते हैं, वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। परी जल्दी से कहती है, बाय बड़े पापा। ये कहकर वो भी अंदर चली जाती है। दूर खड़े होकर नकाब पोश वाला आदमी सब देख रहा था। बेहद नफरत से वो मन में कहता है, ये बच्चा इन दोनों को एक कर सकता है, जो मैं होने नहीं दूंगा। हटाना होगा इस फसाद की जड़ को रास्ते से। ये सोचते सोचते उसके चेहरे पर खतरनाक वाली स्माइल आ जाती है। फिर वो आंखें बंद करके नैना को महसूस करते हुए, उफ, ये खूबसूरती, ये एहसास, अब तो तुम्हें मेरा होना ही होगा, मेरी बाहों में आना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चेहरे पर कमीनेपन के भाव और होठों पर खतरनाक वाली स्माइल लाते हुए वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। आरव अब भी ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें अब भी हल्की हल्की नम थी और वो नम आंखों से नैना और वंश को अंदर जाते हुए देख रहा था। आंखें तो नैना की भी नम थी और उसकी आंखों के सामने बार बार आरव की आंसू भरी निगाहें आ रही थी, क्योंकि उसने आरव को कभी रोते हुए नहीं देखा था। नैना एक बार चेहरा घुमाकर पीछे मुड़कर देखती है। आरव अब भी नम आंखों से उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें टकराती है। एक तरफ नज़रों से शिकायतें होती है तो दूसरी तरफ से शर्मिंदगी से नज़रें झुक जाती है। नैना अपना चेहरा फेर कर आगे बढ़ जाती है। आरव उठता है और अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। नैना भी वंश को अंदर छोड़कर बाहर आती है और अपनी गाड़ी में बैठते हुए कहती है, ड्राइवर चलो। ये कहकर वो पीछे सीट से अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर ये नकाब पोश वाला शख्स कौन है, जो नैना के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, और उसकी अगली चाल क्या होगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।